नमस्ते बच्चों, मैं अरुणा पाणिग्रही। पिछले वीडियो में मैंने कविता सीखो पाठ का आरंभ किया था। इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताई थी कि कैसे फूल भौरे कितने भी मुसीबत आए, कितने भी दुख आए, संकट आए, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमें उस फूल की तरह जीवन में कितने भी संकट आए, मुश्किल आए, उसका सामना फूल जिस तरह मुस्कुराते हुए करता है उसी तरह हमें करना चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। तो बच्चों, इस नए वीडियो सेशन में हम शुरू करेंगे सीखो कविता के प्रश्न उत्तर का अभ्यास। बच्चों, मैं प्रश्न उत्तर बताते वक्त आप लोग अपने पास एक पेन और पेपर पकड़ लीजिए और मैं जैसे जैसे प्रश्न और उत्तर बताते जाऊंगी उस तरह आपको भी प्रश्न और उत्तर लिखते जाना है, जिससे आपको इस पाठ को समझने में, इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझने में आपको आसानी होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ एक सीखो। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। फूलों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है हंसना। सेकंड नंबर ऑप्शन, हंसना। फूल हमेशा हंसता रहता है तो हमें उससे यही शिक्षा मिलती है। सबको गले लगाने की शिक्षा कौन देता है? लता। लता जैसे झुककर सबको गले लगाता है उसी तरह हमें भी छोटे भेड़े का बड़े का भेदभाव नहीं कर सबको गले लगाना चाहिए। तीसरा ग है, हम विद्या किन से ग्रहण करते हैं? इसका उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, गुरु। हम गुरु से ही विद्या ग्रहण करते हैं। घ है प्रश्न, फल और फूल आने पर पेड़ों की डालियां कैसी हो जाती है? तो फल और फूल आने पर पेड़ों की डालियां झुक जाती है। पहला नंबर ऑप्शन, झुक जाती है का अर्थ है विनम्र हो जाती है। अब शुरू करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर लिखिए। भौरा हमें क्या सिखाता है? गाना। किसकी किरणें हमें जगाती है? सूर्य की। कौन जीवों की सेवा करना सिखाता है? पृथ्वी। कौन सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है? जल धारा। हरदम ऊंचा उठने की शिक्षा कौन देता है? सिवा। अब हम शुरू करते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चों, आप जब कविता पढ़े होंगे उस कविता का पाठ बार बार किए होंगे, उसका जो मैं सारांश समझाई थी आपको सारांश समझे होंगे, तो आपको प्रति सभी प्रश्न के उत्तर लिखने में आसानी होगी और आप इन उत्तरों को अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फूल हंसकर हमें क्या सिखाते हैं? फूल हंसकर हमें दुख में भी हंसते रहने की प्रेरणा देते हैं। थर्ड नंबर, वृक्ष की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो उत्तर है, वृक्ष की झुकी डालियों से हमें हमेशा विनम्र रहने तथा सबका सम्मान करने की सीख मिलती है। ऊंचे चढ़ने से कवि का क्या तात्पर्य? ग नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर है, ऊंचे चढ़ने से कवि का तात्पर्य निरंतर उन्नति करना है, अर्थात आगे बढ़ते जाना है। आप इस उत्तर को अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। बच्चों, सत्पुरुषों का जीवन हमें किस बात की प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर है, सत्पुरुषों का जीवन हमें उज्ज्वल चरित्र वाला बनने की प्रेरणा देता है। अब शुरू कर